नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं समाज सेविका अंजलि जी। अंजलि जी, आपका हमारे चैनल में पहले स्वागत है। धन्यवाद अंजलि जी। एक बात बताइए, आप बहुत सारे बौद्ध विहारों में जाते हैं और वहाँ पे निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मुझे मेरे घर से ही मिली है। मेरा मायका है, मेरे डैडी बहुत बड़े ऐसे समाज सेवक थे और बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार करते थे और बहुत बड़े अम्बेडकरवादी थे, तो मुझे कहीं से बाहर से सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो मुझे घर से देखने को मिला है जी। तो वो मुझे आता ही है शुरू से सब। तो ये सेवा मुझे करने के लिए कभी किसी ने कहा नहीं, वो अपने आप से ही होती चली गई जी। अंजलि जी, एक बात बताइए, आपका पूरा परिवार बाबा साहब की सेवा में लगा हुआ है, तो मतलब इतना टाइम कैसे निकाल पाते हैं आप अपने परिवार को और अपने परिवार के अलावा साथ में सबको लेके? देखिए, जब हम किसी काम में लगना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम भी निकलता है जी। तो वही सोच के साथ जब हमारे अंदर रहता है कि नहीं हमें आज आना था, तो कोशिश करी तो आए हैं पूरा परिवार, नहीं तो जिनको टाइम था, जो अपना काम अपना शेड्यूल थोड़ा शिफ्ट कर सकते थे उन्होंने करा है, तो हम सब आए हैं यहाँ पर, तो इसी सोच के साथ मैं आ पाई हूँ जी। आप थे हमारे साथ अंजलि जी, उन्होंने बताया कि अगर आप कोशिश करेंगे तो वो काम अवश्य पूरे हो जाएंगे और ये जगह जगह जाकर सभी बौद्ध विहारों के अंदर सेवा करते हैं। ऐसे में इससे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि। धन्यवाद।